दोस्तों, आज की कहानी है, बहू मुझे इस उम्र में घर से बाहर मत निकालो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। मम्मी, आप रो क्यों रही हो? कुछ बताओ तो, मेरा दिल बैठा जा रहा है। रेणु का तेरे भाई भाभी घर छोड़कर चले गए, लेकिन क्यों ऐसा अचानक? क्या हो गया? भाई तो आपका कितना ध्यान रखता था, फिर उसने ऐसा कदम क्यों उठाया? रेणु का सोचते हुए बोली, मेरे लिए उसकी चिंता ही तो तेरी भाभी को रास न आई। हमेशा इस बात पर झगड़ा करती थी कि क्यों वह सुबह शाम मेरे पास बैठता है। हमेशा मुझसे यही कहती कि आपके कारण ही हमारी गृहस्थी नहीं बच पा रही, लेकिन आपने तो मुझे कभी कुछ नहीं बताया। आप तो हमेशा कहती थी कि यहाँ सब कुछ सही है, बस बेटा मैं तुझे परेशान नहीं करना चाहती थी। आज रुका नहीं गया तो तुझे बता रही हूँ। मम्मी, आप परेशान मत हो, मैं भाई भाभी को समझाऊंगी, और अगर वह नहीं माने तो आपकी बेटी जिंदा है अभी, आप मेरे साथ रहोगे? नहीं रेणुका, उन्हें कुछ मत कहना। अगर मेरे साथ ना रहने से उनके जीवन में सुख शांति रहती है तो मेरे लिए इससे ज्यादा खुशी की बात क्या होगी? बस बेटा, तू अपनी सास का ध्यान रखना और उनके साथ कभी ऐसा व्यवहार ना करना हमारे दिए संस्कारों का मान रखना। मेरा क्या है, अब तो जीवन 4 दिन का बसेरा है। राम भजन करते हुए कट जाएगा, बस 20-20 में तू आती जाती रहना। कहकर उन्होंने फोन रख दिया। फोन रख रेणुका वहीं बैठ गई, उसकी आंखों से आंसू निकल आए। आज उसकी करने का फल उसकी माँ को मिल रहा था। उसने कहा, अपने माँ बाप के दिए संस्कारों का मान रखा। भगवान ने कसकर तमाशा उसके गाल पर मारा था। 2 साल पहले शादी कर वह इस घर में आई थी। उसकी सास मालती एक माँ की तरह उसका ध्यान रखती, लेकिन उसने कभी अपनी सास को दिल से मान सम्मान न दिया। उसका पति यश अपनी माँ का इकलौता बेटा था। 15 साल की उम्र में पिता के गुजर जाने के बाद उसकी माँ ने बड़े संघर्ष उसे पाला पोसा था। उनकी दिन रात की मेहनत व अपनी पढ़ाई के दम पर 3 साल पहले ही उसकी गवर्नमेंट ऑफिसर के रूप में नियुक्ति हुई थी विभाग की, और उसे रहने के लिए मकान मिला था। वह अपनी माँ को अपने साथ शहर ले आया। काम की अधिकता के बीच वह सुबह शाम कुछ वक्त अपनी माँ के साथ जरूर बिताता, और यही बात रेणुका को कभी रास ना आई। जब तब यश को वो हमेशा इस बात का ताना देती कि अपनी माँ के लिए तुम्हारे पास समय है, मेरे लिए नहीं। यस उसे कई बार प्यार से समझा चुका था, माँ के लिए ये जगह नहीं है, हम दोनों के अलावा यहाँ उनका है ही कौन। बुढ़ापे में अकेलापन बहुत काटता है, अगर हमारे साथ बैठने से उनको खुशी मिलती है तो कोई हर्ज तो नहीं। पूरा जीवन
सपनों ने मेरी खुशियों के लिए कुर्बान कर दिया। अगर मैं दिन का एक आध घंटा उनको देता हूँ तो क्या गलत है? लेकिन रेणुका तो समझने की बजाय हमेशा यश को अपनी माँ का गुलाम होने का ताना देती रहती। यश की माँ को भी उसके कारण बेटा बहू में बढ़ते तनाव का पता चल गया था। दुख तो उसे बहुत हुआ, लेकिन यहाँ रहकर उसका आत्म सम्मान सलनी हो रहा था। दूसरा, वह नहीं चाहती थी कि उसके कारण बेटे की गृहस्थी उजड़े, क्योंकि उसे पता था यश रेणुका को प्यार भी बहुत करता है। अपने बेटे को दो पाटों के बीच वह पीसता नहीं देख सकती थी, इसलिए सब की भलाई के लिए उसने गांव जाना ही बेहतर समझा। यश ने उनको बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने बहाना बनाते हुए कहा, यहाँ शहर में मेरा मन नहीं लग रहा, गांव की बहुत याद आ रही है। माँ वहाँ अकेले कैसे रहोगी? कोई भी तो नहीं वहाँ तुम्हारा? अपना गांव में मैं अकेली कहाँ, वहाँ तो हर कोई अपना है। तुम दोनों भी बीस बीस में आते रहना, बस मेरे लिए इतना ही काफी है। यह तो कुछ दिन का ही बसेरा था, मैं अपना आखिरी समय उस मिट्टी व घर में बिताना चाहती हूँ जहाँ तुम खेल कूद कर बड़ा हुआ और मैं शादी कर आई। मेरे जीवन की अनगिनत यादें वहां से जुड़ी हैं। अपने उसी बसेरे में जाकर शायद सैन से अंतिम सांसें ले सकूं, कहकर वह चली गई। रेणुका को आज अपने करने पर बहुत पछतावा हो रहा था। पिछली सारी बातें उसकी आंखों के सामने सल क्षेत्र की भांति घूम गई। अपनी माँ के अकेले पन की बात सुनकर आज उसे अपनी सास के अकेलेपन का एहसास हो रहा था, और ये सब उसके कारण ही तो था। उसकी भाभी ने क्या अलग कर दिया? वह भी तो उसी की तरह अपनी सास से आजादी चाहती थी। किस मुंह से वह अपने भाई भाभी को समझाएगी? सोचते सोचते वह रोने लगी और उसने मन ही मन फैसला कर लिया। शाम को जब यश वापस आया तो रेणुका की हालत देखकर उसने पूछा, क्या बात है, तुम इतनी परेशान क्यों हो? उसने यश को सारी बातें बताई। यश, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने एक माँ को उसके बेटे से दूर किया और भगवान ने इसकी सजा मेरी माँ को दी। उनका क्या होगा ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन अपने किए का सुधार जरूर करूँगी। हम कल ही माँ जी को लेने चलेंगे। मैं उनसे अपनी गलती की माफ़ी मांग कर उन्हें अपने साथ आने के लिए जरूर मना लूँगी। सुनकर यश ने सहमति में सिर हिला दिया। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।